तो भाई देख सकते हैं रेगिस्तान का फील दिला रहे हैं इधर, रेगिस्तान का मजा मिल रहा है इधर। हाँ भैया नाम सुन लो। हाँ। हेमा बांदरी, रवीना टनाटन, ऐश्वर्या रांड, ऐश्वर्या राय, ऐश्वर्या राय, दो कटोरी जादू वाली। हाँ क्या है बाबू? मैजिक शो बताई दे यार। तो हे गाइस, स्वागत है हमारे कॉर्नर वीडियो में। तो आज का वीडियो हम लोगों का बहुत गजब होने वाला है। तो आज हम लोग जा रहे हैं नौका विहार, मतलब नौका विहार ट्रेन से जाने वाले हैं। अभी मैं हूँ, मोनू है और संगम भैया हैं। तो हम लोग अभी शुरू हो रहा है, सुबह के 6 बज रहे हैं अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। मैं हूँ, मोनू है, मोनू भी गया उधर उस साइड, भैया अभी मेरे वहाँ से अपने घर से वो आ रहे हैं। तो अभी हम लोग थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे और ट्रेन से जाने वाले हैं, मतलब। पहली बार तुझसे मिले नैना, नींद नहीं आवे नहीं मिले चैना, पूरी रात कर बात जैसे तोता मैना, कहूँ और जैसे मोर नाचे तेरे लिए ना। हम चोरी चोरी चुपके से आए होंगे ना, तेरी कारी कारी लटवले पॉइंट यहाँ का। और फ्लैग आपको दिख ही रहा होगा कितना, बट लहरा नहीं रहा है फ्लैग। ये है यहाँ का एंट्री पॉइंट। अभी आगे चलते हैं, आगे बहुत तगड़ा तगड़ा सीन है। और ये रही नदी, झील, मतलब। हम लोग पहुँच चुके हैं अभी नौका विहार में। तो आप लोगों को बिहार का यहाँ से पूरा दिखाते हैं। अभी हम लोग जस्ट यहाँ पर थोड़ी देर पहले हुए नौका विहार में पहुँचे हैं। अभी आगे चलते पूरा दिखाते हैं आप लोगों को। आने पे सबसे अच्छा सीन यही है। और देख सकते हैं पूरी मक्खियों की तरह पूरा भिन भिना के पूरा कवर कर लिए एक भी जगह। वो देख सकते हैं वो जो बीच में वो हार्ट है, पूरा एकदम घेर के रखे हैं उसका। कैसे फ्यूट होके जैसा पूरा सबसे गजब सीन पूरा इधर का ही है। एक आई लव गोरखपुर पूरा लिखा है, बट इतनी सारी पब्लिक होने के कारण सही से दिख नहीं रहा है। तो अभी हटाते फिर दिखाते हैं। अच्छा हमको सिखा रिया है।
गाइस देख सकते हैं रेगिस्तान का फील दिला रहे हैं इधर, रेगिस्तान का मज़ा मिल रहा है इधर। गाइस ये है नौका विहार, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही। ओ नो, मेरा मोबाइल चार्ज नहीं है। यह नौका विहार है, यहाँ पे करा रहे हैं ऊँटों की सैर, मतलब कुछ भी ऐसे ही बस। स्टैचू मैन का काम कर रहे हैं ये, इनका एक चैनल भी है, ये देख सकते हैं चैनल इनका है कोयल ब्लैक ब्लॉग, जो अभी आपको ये बताए भी हैं। ये बहुत ही फनी लग रहे हैं, देख रहे हैं कितना गजब से एकदम खड़े जैसे लग रहे हैं एकदम स्टैचू। तो गाइस इनके चैनल को फुल सपोर्ट करिए, आप लोग चैनल डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और ये रहा इनका चैनल। तो गाइस चलते हैं अभी, आपको आगे दिखाएंगे। थैंक यू भाई, थैंक्स। फिलहाल दोस्तों हम लोग काफी देर से खोज रहे थे कि कहीं पे बैठ के खाना खाया जाए, और तो यहाँ पे देख सकते हैं काफी अच्छा जगह मिल चुका है, जस्ट बगल में रामगढ़ताल यहाँ पे हैं, और यहाँ बैठ के हम लोग खाने वाले हैं खाना, और जैसे यहाँ पे सब जगह बैठने वाला सब खाली है, देख सकते हैं। तो हम लोग खाना खाते हैं यहाँ पे, क्योंकि टाइमिंग जो है 3 बजने वाला है भैया। यो अभी निकलने जा रहा हम लोगों का खाना, आलू के पराठे विथ सॉस। नाच दांत और टूट जाए सर, वो गिर बो तो बैलेंस करेंगे नहीं, बैलेंस की बैलेंस तो चलिए गाइस इसको इधर ही एंड करते हैं। तो अभी हम लोग चल रहे हैं घर, हो चुके हैं शाम के 5, तो अभी चलते हैं घर। इसका बचकानी हरकत नहीं जाएगा साले का, ये ऐसे लखनऊ में भी गया था, उधर भी ऐसे कर रहा था, तो आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देख लेंगे। ए मत कर रहे, हाँ बेचारे बच्चे दूर गया है लेकिन। अरे भाई जरूर वैसे फिलहाल गाय यहाँ का जो नज़ारा होता है शाम को बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि गाय यहाँ पे जो है रात को फवारे में जो है फवारा भी चलता है, और जो लाइटिंग वोटिंग है बहुत ही अच्छा तरीके से है, इसलिए मतलब यहाँ जो रहने वाले लोग होते हैं शाम को आते हैं, लेकिन हम लोग को गाय जो है दूर जाना है इसलिए हम लोग जो है दिन में आए थे। वैसे दिन में भी बहुत मज़ा आया है, और अगर कहीं कभी जो है टाइम मिलेगा फिर समय मिलेगा तो आएंगे, रात में भी आएंगे। तो वैसे फिलहाल आपको मज़ा आएगा ब्लॉग में। तो फिलहाल दोस्तों हम लोग आ चुके हैं गेट के बाहर रामगढ़ ताल के, देख सकते हैं ये रहा उसका गेट, और अभी वैसे गेट के बाहर भी थोड़ा जो है झील दिखता है, ये देखिए यहाँ पे। तो हम लोग यहीं पे आए हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं जो है ऑटो खड़ा रहता है, यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और हम लोग जाने वाले हैं घर पे, क्योंकि गाइस हो चुका है शाम, देख सकते हैं आप वीडियो में ही, क्योंकि हम लोग को जाना है घर पे। और होपफुली आप लोग ब्लॉग इन्जॉय किए होंगे, और अगर इन्जॉय किए होंगे तो ब्लॉग को लाइक करिएगा, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।